उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में लागू हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी उपभोक्ता अगर कभी भी चीट किया जाता है, उसके साथ धोखाधड़ी होती है, उसके साथ शोषण होता है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। ये वाला अधिनियम पहले 1986 में हुआ, उसके बाद 2019 में इसको हम वापस से इसको मॉडिफाई किया गया। तो वापस जब इसको हुआ तो थोड़े इसमें चेंजेस हुए। तो उपभोक्ता जो शिकायत करता है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सिंपल बातें इसमें बता देती हूँ कि ये है कि कोई भी व्यक्ति जो उपभोक्ता है वो इसमें अपना केस कर सकता है। अब उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वो व्यक्ति होगा जो कि वस्तु व सेवाओं का प्रयोग करता है, ठीक है। तो हम सब उपभोक्ता हैं। दूसरी बात, हमें उपभोक्ता अगर हमें कोई केस करना है और हमारी वस्तु खराब निकली है तो हमारे पास उसका एक प्रूफ होना चाहिए। देयर शुड बी बिल ऑफ दैट प्रोडक्ट। यानी कि हमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमें उस चीज का बिल लेना है। बिना बिल के आप कभी भी वस्तु को मत लें, नहीं तो आप अपना एक बहुत बड़ा अधिकार खो दोगे। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए यू शुड हैव प्रूफ, ठीक है। तो हमें हमारे को बिल होना चाहिए, और यदि हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट खराब निकला है तो हम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अब शिकायत करने के लिए फीस लगती है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती जैसे कि दूसरे कोर्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर फीस लगती है जो कि क्या है कि 1 लाख तक अगर आपका प्रोडक्ट है, कीमत है, तो 100 रुपये फीस, 5 लाख तक है तो 200 रुपये फीस, 10 लाख तक है तो 400 रुपये, और 20 लाख तक आपका प्रोडक्ट है तो सिर्फ 500 फीस, और 20 से 50 लाख है अगर प्रोडक्ट की वैल्यू तो 2000, 50 से 1 करोड़ तक है तो 4000, और यदि 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 5000 रुपये फीस लगती है, ठीक है। अब जो उपभोक्ता को शिकायत करनी है तो उसके लिए 3 एजेंसीज है। एक तो है जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, देन सेकेंड इज राष्ट्रीय स्टेट कमीशन, और राज्य दैट इज स्टेट कमीशन, और तीसरा है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल कमीशन। अब अगर हमारे को 1 करोड़ तक का लॉस हुआ है, 1 करोड़ हमारी वैल्यू है, तो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपील कर केस करेंगे, और यदि 1 से लेकर 10 करोड़ तक हमारी उस प्रोडक्ट की वैल्यू है तो हम राज्य स्तरीय पे करेंगे, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो हम नेशनल उस पर करेंगे। ये अभी नया जो लेटेस्ट हुआ है 2019 का, पहले इसका जो कम था 25 लाख था, 25 लाख से 1 करोड़ और इस तरह से था, लेकिन अब इसका रेट बढ़ा दिया गया है। तो आप 1 करोड़ तक अगर रेट वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, और 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो राज्य स्तरीय पे, और उससे ज़्यादा है तो आप नेशनल कमीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो इसका रिजल्ट है, दूसरे जो केसेस हैं हमने देखा है कि वो सालों साल लग जाते हैं और कोर्ट फैसला नहीं कर पाता, तो इसमें क्या होता है, एक टाइम लिमिट है। हमारा जो फैसला है, हमारे जो इसका हम कह सकते हैं कि जो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो हमें विद इन 3 मंथ्स हमारी सुनवाई हो जाती है, और यदि कोई चेकिंग वगैरह होती है, कुछ लैब में चेक करना होता है, तो 5 मंथ्स का टाइम लगता है। और अगर यदि हमें डिस्ट्रिक्ट उससे हम अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम फिर राज्य स्तरीय पर अपील कर सकते हैं, और वहाँ से भी अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो हम नेशनल उस पर जा सकते हैं। यानी कि कंज्यूमर को अपने अधिकारों के लिए बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में उसके हित में रक्षा होती है। अब उसे शिकायत करनी होती है, तो शिकायत का क्या तरीका है? सबसे पहले उसे क्या करनेगा, जो कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें सिंपल है कि पहले तो जो शिकायत करने वाला है उसका नाम और पता, फिर सेकंड जिसके विरुद्ध वो शिकायत कर रहा है उसका नाम और पता भरना पड़ेगा, फिर उसे पूरा जो वस्तु खरीदी है, जो सेवा जिसके अगेंस्ट वो केस कर रहा है उसका पूरा विवरण देना पड़ेगा, देन उसको कितना हर्जाना चाहिए, उसको कितनी क्षतिपूर्ति चाहिए या हर्जाना चाहिए उसका पूरा विवरण करे, और उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको उसका सबूत या बिल लगाना पड़ेगा। तो ये सब अगर वो फॉलो करेगा तो उसके ज़रूर हित में फैसला होगा, ठीक है। अब क्या होता है
कि ये सब फैसला वो कोर्ट में अप्लाई कर देता है, और उसके बाद जो कोर्ट में जो एक कमेटी होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली, ये हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक जज होता है और 2 दूसरे मेंबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट फील्ड के होते हैं, लॉ के या इकोनॉमिक्स के या इस तरह अलग फील्ड के होते हैं, और वो एक कमेटी बनती है एंड वो इसका फैसला करते हैं। उसी तरह नेशनल लेवल में 5 मेंबर्स होते हैं और हर में एक महिला का होना जरूरी है। तो ये सब देख करके, बिल वगैरह और ये देख करके, ज्यादातर उपभोक्ता के हित में ही फैसला किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो उपभोक्ताओं को एक बहुत सरल और शीघ्र और मितव्ययी तरीके से उनके शिकायतों को दूर करता है, उनको क्षतिपूर्ति जो होती है उनको पैसा पहुंचाता है, नॉट ओनली हम कह सकते हैं मुद्रा के रूप में, लेकिन जो उनको मानसिक दुख पहुंचा है उसका भी उनको पेमेंट किया जाता है, और उपभोक्ता जो है वो अपने हितों में रह सकता है। लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए कि ये कोर्ट है, मैं किस तरह से यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, और मुझे कैसे प्रोडक्ट खरीदते समय बिल लेना है। बिल लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कुछ उपभोक्ताओं के अधिकार भी बनाए गए, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। दीस आर कि उपभोक्ता के राइट्स हमें पता होने चाहिए कि हम उपभोक्ता हैं, हमारे क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार है हमारा सुरक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू सेफ्टी। हर उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो उसे जो भी चीज दी गई है वो उसके लिए सुरक्षित हो, उसको कोई नुकसान न दे, उसकी लाइफ पे, उसकी हेल्थ पे उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षा का अधिकार है। सेकंड, राइट टू बी इन्फॉर्म, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि उसका ये अधिकार है कि उसको पूरी नॉलेज हो, उसको उस प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, वो जो चाहे उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है, ये उसका अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म। आजकल जो है RTI, आपने सुना होगा कि कोई भी हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम कहीं भी जाकर के, कॉलेज है, स्कूल है, कहीं पे भी जाकर के किसी भी चीज़ का हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट ईच एंड एवरी थिंग। देन कम्स चयन का अधिकार, राइट टू चूज, ये भी उपभोक्ता का अधिकार है कि वो चयन कर सकता है, ही इज फ्री टू चूज, उसे जो प्रोडक्ट लेना है वो लेगा, उसकी इच्छा है, उसको पूरी फ्रीडम है कि वो कोई भी चीज सेलेक्ट करे। देन कम्स सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हर्ड, जब अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी सुनवाई की जानी चाहिए, उसके हितों के लिए सबको सुनना पड़ेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो ये उसका अधिकार है कि उसको उसकी प्रॉब्लम को सुना जाए। देन है क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट ऑफ डैमेज, अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकलता है तो उसको उसकी क्षतिपूर्ति देना, ठीक है, उसका हर्जाना देना, ये उसका अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू बी एजुकेटेड, ये भी एक अधिकार है कि उपभोक्ता को शिक्षा दी जाए, उसको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए और उसको इस लॉ के बारे में भी पूरा ज्ञान देना, एक उसका अधिकार है। एंड लास्ट है दैट इज राइट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, उपभोक्ता को स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, ठीक है। पर्यावरण जो है इट शुड बी क्लीन, दैट इज नॉट ओनली एयर बट हम ये कह सकते हैं साउंड है ना, जो वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसकी एयर फ्रेश होनी चाहिए, आवाज है, मतलब इस तरह का उसका अधिकार है कि उसको जो एनवायरनमेंट है वो साफ। तो ये तो कहते हैं बहुत तेज कोई अगर म्यूजिक लगा रहा है तो हम उसको रुकवा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है कि इतना शोर नहीं होना चाहिए, इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये उसका अधिकार है ताकि वो बीमारियों से बचा रहे। तो इस तरह से आपने देखा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो सरकार ने लागू किया वो उपभोक्ताओं के हित के लिए है, लेकिन अब उपभोक्ताओं को खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए के प्रति सचेत होकर उसे चीज़ों को खरीदना है, और अगर उसको कभी लगता है कि उसके विरुद्ध अगेंस्ट जो बेचने वाला है या दुकानदार ने उसको चीट किया है तो उसे कंज्यूमर कोर्ट्स का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो जा करके अपनी क्षतिपूर्ति हर्जाना ले सके। धन्यवाद।